सो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं दीप टूर ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा वीडियो नहीं डाल पाता, लेकिन उसका कोई कारण है और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आज लाया हूँ मैं एक धमाकेदार वीडियो, आप देखिए और बने रहिए मेरे चैनल पर। और चलता हूँ एक नए सफ़र पर, एक नई जगह, एक नए लोकेशन पर, और दिखाता हूँ आज का जो सफ़र है वो हम कहाँ जा रहे। आपको ये सीन देखकर पता चल पा रहा होगा पीछे का कि आज का जो सफ़र है कुछ एडवेंचर होने वाला है और कुछ अलग होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बड़े बड़े खतरनाक पाप करवा दिया है रिले तूने। बेहतरीन नज़ारा बाघ का गुफा है ना। ये गार्डनिंग वगैरह अभी बनाया गया होगा ना शायद। हाँ, तो निर्माणों में से एक। हाँ, मतलब ये पहले नहीं रहा, पहले सिर्फ नहीं रहा। ये बोल सकते हैं कि ये बाप का गुफा जो है, जो बना हुआ है सिर्फ वो था। करेक्ट ना, सिर्फ पहले गुफा था, बाद में क्या है इसको संग्रहालय किया गया। मतलब एक एडवेंचर करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने ये सब पूरी जगह। लोग आते हैं दूर से तो काफी हद तक उनको रिलीफ मिले, एक अच्छा सा माहौल बन जाए। करेक्ट करेक्ट। और ये इधर संग्रहालय है लेफ्ट में, करेक्ट ना, संग्रहालय का। और जो जिक्र किए थे बाघिन नदी है ना, वो ये है वो क्या? ये निकलती है। तो बाघिन नदी ये है सामने, अभी हम दिखाएंगे बाघिन नदी का नजारा। आई थिंक इसी के चलते इसको बाघ, ये गांव जो है बाघ बोला जाता है ना, बाघ। और यहाँ पे बनने के कारण, ये गुफा यहाँ बना इसलिए इसको बाघ की गुफा बोला जाता है, क्योंकि ये जगह जो है बाघिन नदी के किनारे बसा है गांव, तो ये बाघ इलाका कहलाता है। कुक्षी तहसील है ना, कुक्षी तहसील, गांव का नाम है बाघ, और वहाँ पे ये गुफा है इसलिए इसको बोला जाता है बाघ की गुफा। तो ये नज़ारा है बाघ की गुफा का। वाओ, तो हरा भरा, तो ये क्या है, बरसात के चलते है, अभी क्या है महीना जुलाई का है इसलिए पूरा हरा भरा है। नहीं तो ये सूखा पड़ा रहता होगा, पेड़ पौधे कम रहते होंगे। हाँ, क्यों? पेड़ पौधे नहीं रहते, पानी नहीं रहता, पानी भी नहीं रहता होगा। हाँ, वैसे भी अभी पानी इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है, बहुत ना के बराबर है पानी, बारिश कम हुई है उस हिसाब से। उस हिसाब से करेक्ट, बारिश बढ़ जाएगी तो यहाँ पर भी जगह स्तर काफी बढ़ जाता है, और मतलब सुंदरता में काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। पक्षियों के लिए भी वो, एक कोई पक्षी बैठी बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी पक्षी है, गिद्ध तो हो नहीं सकता, कुछ तो है, बगुला। हाँ, सो अभी सब अपन बाघ की गुफा पे आ गए, और ये
गिर जा रहा है बाद में इसको, अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये ड्रोन शॉट है, लेकिन व्यू ड्रोन जैसे दिखेगा लुक उस हिसाब से। ये मतलब जो आवाज है तोते हैं सर, तोते हैं। अच्छा तो आपको नीम पे बैठे दिखेंगे। हाँ करेक्ट है, करेक्ट वो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, काफी मतलब मनोरंजक मनोरंजक बनाते हैं। करेक्ट है। और ये बाघ की गुफा का एक ये स्लोप। अच्छा स्लोप ये अभी सब बनाया गया होगा ना? ये तो अभी का निर्माण नहीं, ये जो निर्माण था ना सर ये था पुराना, और इसको जो है ढहे नहीं, इसलिए जो है इसको रिपेयरिंग के काम किसी के। आप देख सकते हैं कि सीमेंटीकरण किया गया ताकि ये गिरे नहीं। ये पहले हाँ पहले एरन का काम होता था ना। हाँ, ये एरन पत्थर, ये पुराना पत्थर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज के निर्माण में नहीं लिया जाता। हाँ ये क्योंकि अभी दब भी चुका है ना, पुरातत्व विभाग कहने का मतलब। हाँ ये पहले मिट्टी था, संरक्षित किया गया, संरक्षित करने का काम, आने वाली पीढ़ियां देख सके। करेक्ट, वरना लुप्त होते जाते हैं समय के साथ। भी है सर, करेक्ट है। हाँ ये अपन उन्होंने अभी गौर नहीं किया। हाँ वो मैं जब पैर इधर गया तो अचानक से ध्यान आया, मुझे भी लगा ये प्राचीन शिवलिंग है। कुल मिला के सर पांडवों के समय की है ये, पांडवों के टाइम का है ये, उन्हीं का। ये हाँ लग रहा है ये हाँ, थोड़ी विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल, ये गणेश जी की प्रतिमा ही लग रही है। हाँ, कि ये सूर्य का आकार था, ये करेक्ट है, जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हाँ पूरा सूर्य का आकार दिख रहा है, और ये नीचे पूरा का पूरा उन्हीं का, और ये पेट का पूरा है ना, पेट का भाग पूरा दिख रहा है। करेक्ट है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन काफी जर्जर जर्जर हालत में है, वही है जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसको क्या है संरक्षण जरूरी है, एमपी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और हम अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सजग करेंगे शिवराज जी को। अभी वही गद्दी पे है जो कि ढह गए, जैसे कि वो लास्ट पिलर दिख रहा ना, ये जो पिलर दिख रहा है ना। हाँ, ये सब कृत्रिम बनाए गए हैं, पहले जो है नेचुरल था, पत्थर का था पूरा, ये सपोर्ट के लिए बनाया गया है, के लिए बनाया गया, और यहाँ पे ढह चुके ये वाले जो है ना, ये ढह चुके हैं। हाँ ये शायद बाद में बनाए हों ये सपोर्ट के लिए, और इधर भी हाँ इधर भी कोई मूर्ति उकेरी गई थी ऐसा था, और ये कोई मूर्ति थी सर जी। बिल्कुल बिल्कुल ना, दिख रहा है कुछ, और दो पैर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दो पैर, और इधर कोई देवी की मूर्ति इधर साइड में दिख रहा है ना, जो बराबर ना दिख रहा है वो पूरा का पूरा। ये कहलाता है गुफा नंबर दो। और ये दरवाजा है, चलते हैं अंदर का। ये अंधेरा बहुत रहता है क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा होना चाहिए, अपने मध्य प्रदेश सरकार को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, अगर इसको संरक्षित करके रखना है तो इन पे क्या है लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको इतना मतलब सुविधा दें कम से कोई नहीं। ये जगह यहाँ से देख सकते हैं सर, और इधर की रिस्क मतलब आप इधर पीछे से देख सकते हैं, और
ढहा हुआ है ना। हाँ ये है और ये गुफाएं। हाँ 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 ये वहां से भी झांकते हैं ना सर, तो ये चीज नजर आती है। ये नजर आती है। अब ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे सांप हो। यहाँ से ये आगे और जा रहा है सर कुछ। हाँ उधर जा रहा है, उधर से शायद कहीं निकलता है। ये सर पीछे से पता चल पाएगा इधर साइड से, क्योंकि इस साइड पे भी कुछ है। फ्लैश डालना, ये भी देखो कैसे पूरी गुफा कोई मतलब पहले की जो गुफाओं को मतलब अभी तक अगर संरक्षित करके रखे हैं तो आगे भी रखना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे जो बाकी जनरेशन है। और ये क्या है, एक हिंदू धर्म का अपना प्रतीक है भाई, इसको क्या है सुरक्षित रखना अपना मतलब कर्तव्य है, अपने को रखना जरूरी है ये। और ये दूसरा गुफा, जो गुफाओं का जिक्र है कि गुफा नंबर 6-7 ये वही है सब, मतलब ओ क्या खतरनाक गुफा। ये अगली गुफा, अब इधर कहाँ जाता है पता नहीं, बस कोई जानवर नहीं हो ना, और बाकी चीज से तो दिक्कत नहीं है। नीलेश बाबू आओ, डरो मत सोलंकी जी, देखते हैं शायद लाइट जल रही है। और ये लाइट जो रोशनी आ रहा है उधर से आ रहा है, ये रोशनी आ रही है उधर से। अच्छा ये एक, हाँ ये एक मतलब जैसे सांस लेते हैं ना, सांस लेने के लिए एक जगह चाहिए, वैसे ही है पूरी की पूरी। और ये इधर क्या खाई जैसा पूरा का पूरा, क्या है इधर। और ये ऐसा पूरा अंधेला है, एटलीस्ट अगर इसको टूरिज्म प्लेस में अगर डिक्लेयर कर रहे एमपी गवर्नमेंट तो उनको सोचना चाहिए, यहाँ पे कम से कम तो लाइट की व्यवस्था करवाओ यहाँ पर। और ये लाइट है लेकिन लाइट बहुत कम है, ये जस्टिस नहीं करता कि आप एक नेचुरल चीज़ों को मतलब कहने का मतलब पुरातत्व जो अपना है उनको संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जैसा चाहिए। भंग कर दिया गया था। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। लाइट मारो जरा, देखो कितना पसीना निकल रहा है, कितनी उमस है, कितना चिपचिपा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बरसात हो गई पसीने की। क्यों इतना खतरनाक, हवा का कुछ वो नहीं, हवा नहीं है यहाँ पर। और पत्थर ऑलरेडी, ये दरवाजा और ये पेंटिंग किया गया है, ये पेंट करके इसको क्या है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, हाँ कुछ तो घूम रहा है ये। लाइट मत दिखाओ सर उसको। लाइट से परेशान हो जाओ, आ जाओ बाहर, चेहरे पे क्या है, हम लोग छत पे नहीं नहीं सो जाओ, नहीं
ये क्या है इधर, ये भी सब छोटे छोटे पूरे मतलब पहले की तराशी हुई ये नक्काशियां देखो कितना मतलब अद्भुत लगता है। वो बाटी, अब चलते हैं अपन वो बाटी वाला एरिया जहाँ पे क्या, हाँ वो मतलब डेढ़ बाटी ऐसा कुछ है ना उसका थे, हाँ, निकले थे यहाँ से, हाँ, तो बाटी ले गई थी तो आज भी बाटी पड़ी हुई है। अब वो बाटी दिखाते हैं और इतनी बड़ी बाटी इंदौर में शायद राजहंस की सबसे बड़ी बाटी होती है, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी बाटी आज दिखाएंगे पांडवों के जमाने पे भीम के हाथ की बनी हुई, भीम के हाथ की बनी हुई। और भीम कितनी बड़ी बाटी खाता था तो उसका शरीर कितना भारी होगा पता चलेगा, ये पता चलेगा। और ये गुफा नंबर 3 है, अपन 2 नंबर पे गए थे, अब ये गुफा नंबर 3 है। और गुफा नंबर 3 पे जाने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि गर्मी इतनी है अंदर पसीना पसीना हो जाओ। गुफा नंबर 3, ऊपर ही जाना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। और ये कमरे हैं, एक्चुअल में क्या है जो यहाँ की सुंदरता है ना, वो अपन तो क्या है ठीक है कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, ये जस्टिस नहीं कर सकता कैमरा कि कितना अच्छा है जगह और कैसा है। ये सिर्फ एक मन को संतुष्टि देने जैसी बात है। आप खुद आइए, ये प्योर पत्थर है, पत्थर को तराशा गया है, प्योर पत्थर का कोई काम नहीं, नहीं सीमेंट नहीं है कोई। ये बाहर का नज़ारा और ये पहाड़ का नज़ारा, इतनी बड़ी पहाड़ को ये कुछ पिलर संभाल के रखे हैं। वो भंवर का छत्ता, वो भंवर का छत्ता दिख रहा है, अच्छा है वो अंदर नहीं है बिल्डिंग के अंदर, नहीं ये बाहर ही होते हैं सर, हाँ। ये जो बताने वाले थे अपन बाटी के बारे में, डेढ़ बाटी जी, और ये डेढ़ बाटी जो है अब नहीं दिखा पाएंगे, इसके लिए हमें बहुत खेद है। क्यों नहीं दिखा पाएंगे, आप देख पा रहे होंगे सामने जो है लिखा है प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है, शायद जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनका कहना है शायद ऊपर जाना सेफ नहीं है, या फिर हो सकता है किसी ने ऐसी हरकतें की हो जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ हो, हाँ, हाँ। तो अभी क्या है ये गेट बंद कर दिया गया है, अदरवाइज ये क्या है ऊपर पहाड़ी पे जाता है। और जो बाटी है, डेढ़ बाटी का जो इतिहास चलता आ रहा है वो ऊपर ही है, वो दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है, कभी खुलेगा फिलहाल तो में ये संभव नहीं है। आगे आने वाले समय में जैसे ये गेट खुलेगा इसके लिए हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे और इसको कभी ना कभी जब भी खुला तो ज़रूर करेंगे, इसका आपको बताएंगे कि डेढ़ बाटी का राज क्या है। चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये पुरातत्व विभाग ने बैन कर दिया है।